मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड मैथ्स लेसन फोर। हमने लेसन फोर में 4A तक एक्सरसाइज की थी। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपकी समझ में आई मल्टीप्लाई कैसे करना है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्शन एक्सरसाइज, बिल्ड द टेबल ऑफ 8। हमें 8 का टेबल बिल्ड करना है यानी बनाना है। यूज राजमा सीड्स एंड 10 सेक्शन ऑफ एनी आइस ट्रे। इस तरह से आपने आइस ट्रे बनानी है अपनी कॉपी में और उसके बाद आपको 8 का टेबल इस तरह से सीड्स बना करके इसमें ड्रॉ करना है। कंप्लीट द एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द टेबल ऑफ योर नोटबुक। ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट है 8 1 8, फर्स्ट में 8 डाल दिए। सेकंड है 8 2 16, उसमें 2 में 8 डाल दिए। इसी तरह से आप बना करके 10 टेबल ऐसा बनाएंगे, उसमें 8 का टेबल आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व कीप द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन माइंड। मैंने आपको स्पेशल बताया था कि जब हम कोई भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, जीरो आता है। तो ये फर्स्ट है 8 8 64, 64 में से -64 किए तो क्या आया, जीरो। देन बी, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 8, फिर 1 से किया, फिर 8 1 8, फिर 8 से किया, तो 8 8 64, फिर 64 को 1 से किया तो क्या आंसर आया, 64। सी पार्ट, 8 8 64, फिर उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। क्योंकि किस कुछ भी नंबर हो, अगर आप उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से डी पार्ट देखिए, 9 8 72, 72 1 72, 72 में से 0 माइनस किए तो क्या आंसर आया, 72। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर और ऑक्टोपस बने। स्पाइडर की कितनी लेग्स है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ऑक्टोपस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 लेग्स है दोनों की। अब ये क्वेश्चन देखिए, 8 स्पाइडर्स हैव डैश लेग्स। 1 स्पाइडर की 8 लेग्स है, तो 8 स्पाइडर की कितनी लेग्स होंगी, 8 को 8 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 8 8 8 8 का क्या आता है, 64। इसी तरह से 9 ऑक्टोपसेस हैव डैश लेग्स। अब एक 1 सिंगल ऑक्टोपस की लेग कितनी है, 8, और 9 की कितनी होंगी, 9 8 72, तो आंसर होगा 72 लेग्स। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश मल्टीप्लाई 4 इक्वल 32, तो 8 के टेबल में 4 पे आता है 32, 8 4 32। जो आपका ये एक्सरसाइज 4B है ये 8 के टेबल से रिलेटेड है। ओके, बी, 8 8 72, सी, 8 6 4, यस सॉरी, सी है 7 8 56, 8 के टेबल में 7 पे आता है 56। यस, फिफ्थ क्वेश्चन, यूज द फर्स्ट फैक्ट टू फाइंड द सेकंड प्रोडक्ट, 8 4 32, 8 4 32, 8 5 40, सो 8 5 = 32 + 8, 8 5 क्या होता है, 40, और 32 + 1 क्या होता है, 40, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से 8 5 = 40। बी क्वेश्चन है इसका, 8 3 = 24, 8 4 = 32। इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखिए, 8 7 = 56, 8 8 = 64। जिस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, सेकंड प्रोडक्ट फाइंड किया, इसी तरह से आपको इसका यहाँ पर फाइंड करना है और सी का उसके आगे फाइंड करना है। इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई
38 मल्टीप्लाई 8। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 ज़ा 64, तो 64 का नीचे क्या आएगा 4, और 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 8 ज़ा 24, 24 में आप 6 प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 30। यहाँ पे आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 304। बी पार्ट, 93 मल्टीप्लाई 8, 8 ज़ा 24, 4 कहाँ पे आएगा नीचे, और 2 को हम कहाँ लिखेंगे यहाँ ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे 8 9 के, ओके यस। उसके बाद आप देखेंगे 8 9 ज़ा 72 प्लस 2 यानी 74, तो आंसर इज 744। क्या आंसर आएगा 744, यस। नेक्स्ट सी, 47 मल्टीप्लाई 8, 8 7 जा 56, तो आप 6 नीचे लिखोगे और 5 का लिखोगे ऊपर, 8 4 जा 32, 32 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 37, आंसर इज 376, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ए पार्ट, देयर आर 8 बॉटल्स इन कार्टून, 1 कार्टून के अंदर कितनी बॉटल है, 8 है, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन 12 सच कार्टून, तो इस तरह से 12 कार्टून में कितनी बॉटल्स होंगी, तो आप इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे, 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 12 8 सा आंसर होगा आपका, ओके। देयर आर 20 बटन्स इन अ पैकेट, आपके एक पैकेट में कितने बटन है 20, हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन 8 सच पैकेट्स, तो वो पूछे कि अगर 1 पैकेट में 20 बटन्स है तो 8 पैकेट में कितने बटन होंगे आपके, तो आप 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, तो आपको समझ में आ गया बेटा मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना है, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे, यस। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75, इसमें भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है वो 9 के साथ है, तो इसमें किसके साथ है 9 के साथ, अभी लास्ट हमने जो किया था वो किस टेबल के साथ था, 8 की टेबल के साथ, ओके। अब ये है, ये देखिए 9 प्लस 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 9, यहाँ पे 9 टाइम्स 9 दिया हुआ, तो 9 9 ज़ा 81, क्या होगा आंसर 9 9 ज़ा 81, इसी तरह से 9 ग्रुप्स ऑफ 9 ईच इज 81, 9 9 ज़ा 81, ओके यस। नीचे आ जाइए, अब इसमें आप ये देखेंगे, इसमें आपको 9 का टेबल लिखना है, ओके, काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ओके, 9 का टेबल। अब नीचे आ जाइए, क्वेश्चन है 2 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 4 9 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45, 6 9 ज़ा 54, 7 9 ज़ा 63, 8 9 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 10 9 ज़ा 90, इस तरह से अब आपको इसको प्लस करके आंसर 9 में लाना है। ये देखिए 2 प्लस 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0 इक्वल 9। आई समझ में, आपको इस पूरे पेज पे क्या करना है, पूरे 9 के साथ आपको करना है और इसमें 9 का टेबल आएगा, ओके यस। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 76, अब इसमें एक्सरसाइज 4C, ये एक्शन एक्सरसाइज है, आपको यहाँ पर देखिए लिखा है तेंदुलकर इज अ सरनेम विद 9 लेटर्स, राइट इन कॉन्टीन्यूसली इन अ 100 ग्रिड, कलर द बॉक्स एवरी टाइम द नेम इन कंप्लीट ऑन आर। आप यहाँ पे ये देखिए, एक करके दिखाया हुआ आपको, ये तेंदुलकर की स्पेलिंग लिखी है, आर पे 9, फिर उसके बाद 10 से स्टार्ट कर दिया 18 पे, फिर से आर आ गया, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से जहाँ जहाँ पे लास्ट अल्फ़ाबेट आर आएगा आप वहाँ पे उस बॉक्स में कलर करेंगे, तो यहाँ पे आपका 9 का टेबल रेडी हो जाएगा, उसको फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 9 1 ज़ा 9,
9 2 18। आगे अब क्या आंसर आता है आप उसको पूरा यहाँ पे 9 के टेबल को लिखेंगे। आगे समझ में ये करना है। अब इसका सेकंड बी क्वेश्चन क्या है, डू द सेम विद योर नेम। जो एक्टिविटी अभी आपने ये ए क्वेश्चन में तेंदुलकर के सरनेम से किए, यही अब आपको अपने नेम से करना है। और आपको देखना है विच टेबल हैव यू बिल्ट, तो आपके नेम के साथ कौन सा टेबल बनता है। अब किसी का नाम 7 के टेबल से बन सकता है, किसी का 6 के टेबल से बन सकता है, किसी का 5 के टेबल से बन सकता है। तो बी केयरफुल टू कलर ओनली द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम। आपके नेम का जो भी लास्ट लेटर है, आप यहाँ से अपना नेम लिखना शुरू करेंगे और जो भी लास्ट लेटर होगा उस पर आप कलर करेंगे। तो जो लास्ट लेटर होगा उसका टेबल आपका, वो जब कलर करेंगे तो उस नंबर का आपका टेबल रेडी होगा। तो ये आपको अपने नेम के साथ करना है, ये एक्टिविटी आपको बुक में करनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका जो नेम है उससे कौन सा टेबल रेडी हुआ है। ओके, ये आपका होमवर्क है। यस, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, विच टू नंबर हैव ए प्रोडक्ट ऑफ 72 एंड ए डिफरेंस ऑफ 1। उन्होंने पूछा कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिससे 72 नंबर बनेगा लेकिन उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देखिए वो बनेगा 9, क्योंकि 9 8 72, तो 9 से 1 नंबर का डिफरेंस है किसमें, 8 में। ओके, 9 9 8 इसका आंसर होगा। उसके बाद बी पार्ट है आपका, विच टू नंबर्स हैव अ सम ऑफ 18 एंड अ प्रोडक्ट ऑफ 81। तो उन्होंने पूछा विच टू नंबर हैव अ सम ऑफ, सम यानी प्लस करके वो दो नंबर आपको बताने हैं जिससे कि बाद में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके क्या बने, 81। तो 18 में कौन से दो नंबर सेम होंगे, 9। तो यहाँ लिखेंगे और 9 9 सा क्या होता है, 81। 9 9 9 इसका आंसर होगा, 9 9 9। थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लाई, 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 सा 81, 81 का 1 नीचे आएगा, 8 हम ऊपर लिखेंगे, 9 4 सा बताइए 36। 36 में हम 8 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 44। आंसर इज 441। बी पार्ट, 92 मल्टीप्लाई 9, 9 2 सा 18, 18 का 8 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 9 9 सा 81, 81 प्लस 1 इक्वल 82, आंसर होगा 828। इसी तरह से ये सी पार्ट देखिए, 99 मल्टीप्लाई 9, 9 9 सा 81, आंसर इज 1, ऊपर लिखेंगे 8, 9 9 सा 81 एंड 8 89, तो आंसर आएगा आपका 891। ये भी आप बुक में करेंगे। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व, आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंसेस, 1 बॉक्स ऑफ टेनिस बॉल हैज़ 15 बॉल्स। 1 बॉक्स में जो टेनिस बॉल है ये कितनी आ रही है आपकी, 15। हाउ मैनी टेनिस बॉल आर देयर इन 9 बॉक्स, तो 9 बॉक्स में कितनी आएंगी, आप 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देयर आर 9 CDs इन अ बॉक्स, आपके एक बॉक्स के अंदर 9 CDs हैं। हाउ मैनी CDs आर देयर इन अ 25 बॉक्स, तो वो क्वेश्चन ये है कि 25 बॉक्स में कितनी CD आएंगी, तो आप 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको आया समझ में ये क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 4D। ये आपको बच्चों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई विदाउट रीग्रुपिंग, मल्टीप्लाई रीग्रुप 1, मल्टीप्लाई रीग्रुप ट्वाइस, मल्टीप्लाई रीग्रुप एज रिक्वायर्ड, यू विल गेट अ 4-डिजिट प्रोडक्ट्स। इसको करने के बाद जैसा भी रिक्वायर होगा भाई, आपका जो है रीग्रुप उसमें 4-डिजिट नंबर का आंसर भी आ सकता है। ओके, मिक्स्ड प्रैक्टिस, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी 4D एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, ये वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और ये मिक्स्ड प्रैक्टिस 5th क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया मल्टीप्लाई, ये सब काम जो वर्क मैंने आपको दिया है ये आप अपनी बुक में करेंगे, ये एक्टिविटीज़ आप अपनी बुक में करेंगे और एक्सरसाइज 4D ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, मैं आपका वर्क चेक करूँगी, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगी, आपसे वीडियो कॉल करूँगी, तो आप अपना वर्क कंप्लीट रखें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता
तो आप प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।